भाई मामा कह रही है कि 50% ऑफ है, ये ले लो ईद के कपड़े, भाई छुट्टी करो, ये तो छोटे बच्चों के कपड़े हैं, मैं ये 50% ऑफ क्या करने मेरे, कौन कौन बड़े होंगे। लेकिन गाड़ी की फिक्र है, गाड़ी ना हुई तो मैंने कपड़ों को क्या करना है। फिर आप गाड़ी की तरफ चले, लॉक करके आए, मैं फिर आता हूँ, ठीक है। भाई मामा तो जा चुकी हैं, मुझे भी अब कह रही थी कि फटाफट आ जाओ पीछे मेरे। लेकिन भाई मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए जो है ना यहाँ से कोई सूट वूट पकड़ लूँ, कोई अच्छा सा आना, बस निकाल दो जो आपको समझ आ रही ना, जो आप कह रहे थे उनको पसंद आया था लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं है, वो आप बस निकाल दो, वो बस फाइनल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि गाड़ी अनलॉक है, मुझे लॉक करने, और आप फटाफट आओ, आपने इतनी देर लगा। ओहो, तो मैं आ ही रहा था ना, वो ये तो आपका नहीं था, ये क्या चीज। अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि तुम सब लोग ठीक होगे, खैरियत से होगे। तो यार अभी भी जो है ना सीन ये है कि आज जो है ना आपके भाई का आखिरी पेपर है। भाई जिन लोगों को नहीं पता, मेरे जो है ना पूरे रमजान जो है ना पेपर चल रहे थे, तो अब जाके जो है ना आज लास्ट पेपर है, फिर खत्म हो जाएंगे। तो अभी जो है ना साहब बकबक करने का टाइम नहीं, क्योंकि भाई घंटे तक जो है ना मेरा पेपर स्टार्ट हो जाना है, और भाई आज जुम्मा भी है तो जुम्मा भी पढ़ना है साथ में। भाई घंटे तक जो है पेपर स्टार्ट हो जाना है, और आपके भाई को जो है यहाँ व्लॉगिंग ही पड़ी है। क्या बात, किताबें वगैरह जो है ना मैंने रख ली है, तैयारी तुरी भी हो गई है सारी की सारी, इसको भी अंदर डाल लेते हैं। आई एम रेडी, चले का पेपर ना घर में करवा दिया करें। आप कराना ना, आप करा करो। अम्मा मेरे पे सारा इल्जाम लगा रहे होते कि मैं लेट होना, मैं तैयारी फिर किसने करनी है, पेपर आप देने चले आना फिर। मैं तो बिल्कुल दे दूंगी। अच्छा नहीं, छोड़ो अपना काम अपना करना, ये इससे बात की, ये कहते मैं छोड़ दूं, जुम्मा पढ़ना है। अम्मा इसने बीच में हो रही है, जुम्मा मिस हो जाएगा, दो सेकंड में आओ जुम्मा पढ़। अम्मा इसने लेट करा देना यार, अम्मा मस्जिद के चले यार, निकलते यार फटाफट, और फिर चले। चलो हम लोग जो है ना निकल चुके हैं, अभी जो है ना जुम्मे का टाइम हो रहा है, तो हम लोगों ने जुम्मा ही पढ़ना है। जल्दी जल्दी चलाओ, इससे पहले रकात ही मिस हो रहा है, जुम्मा ही मिस हो रहा है। चलाओ, मैं चला तो रहा हूँ फुल स्पीड पे। जल्दी जल्दी पहले जो है जुम्मा पढ़ना है हम लोगों ने, फिर जो है हम लोग निकलेंगे। वजू है नहीं, चुप कर बे कुत्ते। जुम्मे वगैरह से जो है ना हम लोग फारिग हो गए हैं, बाकी अभी जो है ना बस ये सेंटर वगैरह पहुंचने लगे हैं, जो है तुम लोग देख सकते हो भाई, ये खड्डे शड्डे का यहाँ कोई नहीं पता, यहाँ से चलाना ठीक है। हाँ, मुझे तो अब रट गया आपका सेंटर पूरा, कहाँ पे खड्डा है कहाँ पे क्या है। और भाई शुक्र है भाई साहब ने जो है ना पूरे 3 मिनट पहले पहुंचा दिया, अभी ये ना हो 2 मिनट और लेट हो जाए तो सेंटर ही बंद हो जाए। अभी जो है ना बस पेपर शेपर देख के आते हैं, ठीक है। फिर तुम लोगों को मैं बताता हूँ किस तरह का पेपर हुआ मेरा, तो पेपर के बाद मिलता हूँ तुम लोगों को। यार पेपर वगैरह जो है ना मैं देख के आ गया था, कि जो है ना मैं थोड़ी बहुत रेस्ट वगैरह ली थी यार, तुम लोगों को पता ही है वहाँ पे रोड इतनी खराब है यार, अप डाउन मेरी हड्डियां ही जो है ना हिल गई है वहाँ जा जाके। खैर अभी जो है ना रेस्ट वगैरह लिया, अभी जो है मैं थोड़ा बहुत सो के उठाऊँ। खैर अभी जो है ना सीन ये है कि तुम लोगों को पता ही है कि भाई ईद आने लगी, भाई पूरा महीना जो है ना रमजान के मेरे पेपर चले हैं, ना कोई होश रही है आसपास की मुझे। अब जब पेपर खत्म हुए हैं तो भाई फौरन ही जो है 1-2 दिन बाद अब ईद आने लगी है, और भाई कपड़े शपड़े जो है कुछ भी नहीं लिए, कोई तैयारी व्यारी कुछ भी नहीं हुई मेरी। तो खैर मैंने कहा जो है ना ईद के कपड़े ले लेते हैं हम लोग, मैं जो है मामा को भी रेडी कर दिया, आए मैं निकले फिर। ये बातें छोड़ो, जल्दी से और टाइम नहीं है। अपने ईद के कपड़े लेने, आपने अपने ले लिए थे, वो जो आप साथ भाई के साथ गई थी कपड़े लेने, ये ना हो आप, मैं अपने कपड़े लेने का हूँ, आप अपनी दुकानों में चली हैं, फिर 2-2 घंटे 3-3 घंटे तो वैसे ही एक एक दुकान में आपके जाया हो जाए। मैं तो बस 5 मिनट में एक कलर मैंने डिसाइड करना है, अच्छा हो या ना अच्छा, मैं बस पकड़ के आ जाना, ठीक है, मेरा बस यही है। तो खैर कपड़े शपड़े जो है ना हम लोग ने लेने जाने, जरा आए निकले फिर, आ जाए निकलते हैं भाई। अम्मा बताएं कौन सा पकड़ना है, शलवार कमीज आप देखो पसंद आपने पहनना है। अम्मा ये इस तरह का तनाना पकड़े, ये थोड़ा अजीब अजीब सा कलर है, रेयर कलर हो जो कम लोग पहनते हो। ये देखें फुल ब्लैक में, किसी ने ब्लैक पहना तो ब्लैक तो बिल्कुल नहीं है। अम्मा ब्लैक इतना क्लासिक कलर होता है, ब्लैक नहीं, 4 साल हो गए हम ब्लैक कपड़े पहनते हैं। ये वाला देखें, ये डार्क ब्लू में, ये देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है। अम्मा एक ही बात होती है, इतना कौन सा किसने देखने होता है ये कपड़े, ये भी तो किसी ने नहीं ना देखना ये वाला। अम्मा ये क्यों आपको पसंद आ गई, ये मुझे लगता है सेल पे लगा है, तो आप कह रही हैं चलो ये ले ले फटाफट, तो छुट्टी करे हैं। ये मुझे लगता है 70-80% ऑफ है, इसलिए मामा को ये पसंद आ गया। नहीं, मुझे तो लगता है आका खरीदने का कोई इरादा नहीं है, आप उनको सीधा सीधा कहना चाह रही हैं जो 100% सेल पे है ना वो उसको निकाल दें, ठीक है, ताकि फटाफट पकड़े और छुट्टी करे, ऐसी है ना। इन्होंने चुपके से आको कहा कि जो सेल पे है वो निकाल दें और बस वही पसंद कर दें। लेकिन अम्मा लाइट हो ना, बस मुझे सिर्फ लाइट चाहिए, लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू, आप इसके साथ बत्तियां लगा दूंगी तो और लाइट हो जाएगा। 50% ऑफ तो है, लेकिन ये ईद में ये थोड़ी पहन सकते हैं, ये तो छोटे काके के लिए, छोटे बच्चों के कपड़े हैं। चार लो ना, चार यहां सारे पहन लेना। मामा कह रही है कि 50% ऑफ है, ये ले लो ईद के कपड़े, भाई छुट्टी करो, ये तो छोटे बच्चों के कपड़े हैं, मैं ये 50% ऑफ क्या करने मेरे, ये भी जो है कुछ शलवार कमीज़ मिली है, ये लाइट ग्रीन है, लाइट सा कलर दिखाएंगे, कोई लाइट ग्रीन सा या कोई लाइट ब्लू सा, कोई लाइट लाइट कलर, डार्क ना हो। मैं तो कहता हूँ बस ये इस तरह का जो है ना लाइट लाइट सा कलर डन कर लेते हैं। अभी तक जितने भी ईद गुजरी है ना मैंने सारे जो है ना डार्क डार्क कलर पकड़े फिजूल से, अच्छा लगा ना, इसलिए तो नहीं कह रही कि इस पे 50% ऑफ है तो चलो ले गए फटाफट छुट्टी करे हैं। भैया काफी शलवार कमीज़ और मिली है, इनमें से जो है ना बस कोई देख रहे थे, बस फटाफट जो है ना पकड़ के निकलते हैं भाई। भाई मुझे जिस चीज़ का डर था ना वही हो गया है, मामा जो है अपने इधर कपड़ों में पड़ गए हैं, और कम अज कम भी अच्छा मुझे अभी बता दें कि 2 घंटे लगने या 3 घंटे लगने, मैं कोई इधर आस पास ही जो है ना होटल बुक करा लेता हूँ, ठीक है, आपका कोई पता नहीं है, 5-6 घंटे लग रहे हैं, तो मैं इधर रुलता फिर उधर खड़ा।
मुझे जो है इतना पता नहीं लड़कियों की कपड़ों की किस्मों का, मामा को ही पता है, पता नहीं मुझे नहीं पता क्यों दो दो तीन तीन घंटे लगाते हैं। मैं फटाफट पकड़ के कोई सभी अक्कर बकर बम्बे वो करके जो है कोई सभी सूट पकड़ के बस आ जाए, इतना टाइम नहीं है, दुकानें बंद होने लगी हूँ। मेरे पीछे से वो सिक्योरिटी गार्ड ने भी मुझे बताया कि वो दुकानें आधे घंटे में बंद कर रहे हैं। भाई जान इनको कोई सभी दिखा दो यार, इनको जो है ना, इनको जो है ना फटाफट कोई भी दिखा दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ इनको कहो सारे आउट ऑफ स्टॉक है। भाई मैंने जो है कब के अपने कपड़े फाइनल भी कर लिए, खरीद भी लिए, मामा की जो है अभी शॉपिंग मेरे ख्याल से स्टार्ट भी नहीं हुई दो तीन घंटे बाद भी। गाड़ी बंद नहीं की, मुझे याद आ रहा है गाड़ी का लॉक नहीं किया आपने। तो आपने अपने लेने कपड़े, नहीं आपने अपने कपड़े नहीं लेने कोई, लेकिन गाड़ी की फिक्र है, गाड़ी ना हुई तो मैंने कपड़ों को क्या करना है। तो आप गाड़ी की तरफ चले, लॉक करके आए, मैं फिर आता हूँ, ठीक है, पीछे पीछे आ रहा हूँ आपके। यार अभी भी जो है ना सीन ये हुआ कि मामा जो है ना अपना कोई गाड़ी की तरफ गई है, वो कह रही थी कि गाड़ी खुली रहेगी, लॉक नहीं हुई सही से, तो वो जो है ना जल्दबाजी में चली गई है, ना उन्होंने जो है अपने कोई कपड़े वगैरह लिए सही से। मैंने अपने तो ले लिए कपड़े, लेकिन उन्होंने जो है ना अभी कुछ नहीं लिया। भाई यहाँ से जो है ना देख रही थी कपड़े शपड़े लेने लगी थी, लेकिन वो जो है ना फिर गाड़ी की तरफ चली गई, पता नहीं कहती कि खुली रहेगी या लॉक नहीं हुई सही से। भाई मामा तो जा चुकी हैं, मुझे भी अब कह रही थी कि फटाफट आ जाओ पीछे मेरे, लेकिन भाई मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए जो है ना यहाँ से कोई सूट वूट पकड़ लूँगा कोई अच्छा सा। उन्होंने जो है दो तीन घंटे लगाए हैं, पता नहीं कभी किसी दुकान में कभी किस दुकान में, लेकिन उन्होंने जो है ना कुछ भी नहीं पकड़ा। उनके लिए जो है ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जो है ना कोई अच्छा सा सूट पकड़ लूँ। यार भाईजान कोई अच्छा सा जो है ना सूट मुझे कोई दिखा दे अम्मी के लिए, उन्होंने जो है ना डिस्प्ले किया। अच्छा आपके ख्याल में उनको कौन सा पसंद आया होगा कोई अच्छा सा? ये वाला भी देख रही थी मैम, ये वाला देख रही थी, सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था ये होलसेल, ये वाला सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था। हल्का हल्का बताओ रेट, मेरे हिसाब से बताओ, मैंने लेना है। चलो कोई भी दिखा दे, लेकिन बस उनको पसंद आए, रेट वेट सब छोड़ दे, बस उनको पसंद आए कोई अच्छा सा। हाँ ये भी अच्छा है, लाइट कलर मल्टी नहीं, आपको पता नहीं लगा इसके, सही सही, ये व्हाइट कलर में आर्टिकल है, समझ मुझे कुछ भी नहीं आ रही, बस आप मुझे बस वो दिखा दो जिनको पसंद आ जाए बस। जी वाला हमको आ जाएगा आर्टिकल, ये वाला ये बहुत पसंद आया तुमको आर्टिकल। अच्छा ये मतलब लेना चाह रही थी, लेकिन वो फिर फटाफट चली गई, वो कोई याद आ गया नीचे चली, वो कोई गाड़ी कह रही थी कि लॉक नहीं हुई थी तो खुली रहेगी थी। हाय खरीद लेते यार, मेरे ख्याल से वो जो है नीचे वेट कर रही है गाड़ी में, इतना सोचने का टाइम ही नहीं है उनको जो है, अभी क्या पता ऊपर जो है मैं क्या कर रहा हूँ। भाई जान अब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या मेजरमेंट वगैरह क्या सिस्टम होता है, क्या पसंद होता है, हाँ ना बस निकाल दो, जो जो आपको समझ आ रही ना, जो आप कह रहे थे उनको पसंद आया था लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं है, वो आप बस निकाल दो, वो बस फाइनल कर लेते हैं, ये उनको मतलब पसंद आ जाएगा, ये आ रहा था जी जी देखा भी, लेकिन वो फिर नहीं लिया उन्होंने जल्दबाजी में, बस ठीक है ये वाला कर दे पैक कर दे डन कर दे, ठीक है वही बस ये जो है ना सूट हम लोगों ने ले लिया मामा के लिए, इसको जो है अब हम लोग दिखाएंगे मामा को, बस जल्दी जल्दी फटाफट पैक कर दे, भी जो है गाड़ी में बैठी उनको कुछ नहीं पता भी मैं क्या कर रहा हूँ, पर वो ये ना ऊपर आके जो है छापा छुपा मार दे कि ये क्या कर रहा है, बस ये पैक कर दें, बस ये फाइनल कर दें, बस ठीक है भाई बिल भी हो गया हमारे सूट का, इसको जो है हम लोग छुपा के जो है लेके जाते हैं। ओके भाई जान बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफिज़। तो भाई जो मामा का जो सूट था ना वो मैंने अपने शलवार कमीज़ वाले सूट के अंदर जो है पैक कर दिया, ताकि भी मामा को जो है ना बिल्कुल भी शक ना हो कि हम लोगों ने इनके लिए क्या लिया। अब जो है ना भाई इसको बस चुपके से जो है हम लोग गाड़ी में रख देते हैं। इतनी देर हो गई है मैं आपका वेट कर रही हूँ, आपको जरा समझ नहीं आई, मैंने आपको बताया था कि गाड़ी अनलॉक है मुझे लॉक करना है और आप फटाफट आओ, आपने इतनी देर लगा दी। ओहो तो मैं आ ही रहा था ना, कैसे वो आ रहे थे, आधा घंटा हो गया मुझे आपका सिर्फ वेट करते हुए, कोई काम ऊपर का नहीं था, आपने जान की देर की है, बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने आपको कहा था गाड़ी खुली हुई है मैं बस जा रही हूँ आप फौरन आओ, आपका कोई काम नहीं था एक घंटा ऊपर बैठे रहने का। अम्मा इतनी भी देर लगी है, वो रस्ते में जो है मुझे बच्चों ने पकड़ी था सेल्फी वगैरह लेने के लिए, तो मैं फिर क्या करता है, वो एक सेकंड लगता है सेल्फी लेने में, वो कौन सा आपने कोई स्टूडियो जाके फोटो, ओहो इतनी भी देर नहीं लगी यार अम्मा, चल रहे हैं यार, और आपने अपने कपड़ों वाला बैग ले लिया कि वो भी बच्चों के पीछे छोड़ आए हो, पकड़ लिया पीछे ही पड़ा है, ये पीछे ही पड़ा है, मैं रख लूंगा कि बच्चों का उठा के ले आए हो, ओहो अपना ही है, मेरे शलवार कमीज का बैग है, क्या हो गया, बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मैं गाड़ी लॉक करके जाती ना, अभी तो गाड़ी खुली छोड़ के चली गई थी, नहीं तो आपका कोई काम ही नहीं था ऊपर, आप मेरे साथ ही आ जाते, आओ फिर फटाफट चलेगी नीचे गाड़ी लॉक करने के लिए, मैं फिर आ ही रहा था नीचे फटाफट, आ रहे थे 40 मिनट्स के बाद आए हो आप, इतना गुस्सा आपने चढ़ाया, मैंने कुछ भी नहीं लिया अपना, कोई कपड़े नहीं लिए, तो मैं आप पकड़ ली अपने कपड़े, क्या हो गया, नहीं मुझे नहीं लेने दी, मुझे एकदम गाड़ी का ख्याल आया तो मैं आ गई वापस और बाकी गाड़ी खुली हुई, हाय अम्मा चले कुछ नहीं होता यार, चलता है यार कभी कभी। हाय तो भाई मामा से जो है हमें बड़ी इज्जत मिल गई अभी फिलहाल, तो घर पहुंच के मिलता हूं यार तुम लोगों को। तो भाई हम लोग जो है ना घर पहुंच चुके हैं, अभी जो है ना मुझे थोड़ा हिस्सा बोलना पड़ा क्योंकि साथ वाले कमरे में ही जो है ना इस वक्त मामा है। भाई सूट वूट मैंने रेडी कर लिया है, इसको जो है हम लोग देते हैं मामा को सरप्राइज, बाकी ये जो है ना मैंने उनका गिफ्ट रेडी कर लिया है। भाई प्लान ये है कि हम लोगों ने जो है ना पहले उनको दिखाएंगे कि ये जो है ना हमने जो अपना सूट लिया था, यानी जो मैंने सूट लिया था उसमें जो है ना हम लोग उनको कहेंगे कि ये जरा चेक करें इसमें जो है ना कोई फिटिंग वगैरह सही नहीं है या कोई कलर वगैरह सही नहीं है, तो वो जब ऐसे खोल के देखेंगे ना भाई इसको ऐसे, तो साथ ही जो है भाई उनका ये सूट पर आएगा जो हम लोगों ने इनके लिए लिया है, बाकी उन लोग जो है ना मैं अपने पिछले बार को भी दिखाया था जो मैंने लिए हैं, ये चेक करो भाई साहब
भाई एक है जी अपना ये लाइट ग्रे या लाइट ब्लू कलर, ये पता नहीं लाइट ब्लू है लाइट ग्रे है। और भाई एक आ गया जी अपना ये स्किन कलर टाइप। तो भाई ये हमारे आ गए अपने वाले। तो भाई इस वाले को जो है हम लोग डालते हैं इसके अंदर, इसको भी इसी के अंदर डाल देते हैं। चलो भाई ये मामा का भी जो है हम लोगों ने सूट इसी के अंदर बीच में ऊपर रख लिया। चलो भैया अब जो है ना हम लोग जरा मामा को सरप्राइज देते हैं, उनको जो है हम लोग कहेंगे कि भाई मेरा जो सूट है ना उसका मुझे कोई कलर वगैरह पसंद नहीं आया, इस तरह से मैं कह दूंगा कुछ भी। तो वो जब भाई इसको खोल के देखेंगे तो सामने ही जो है उनका ये सूट पड़ेगा जो उनको पसंद आया था। अरे अम्मा अभी सोने तो नहीं लगी यार। नहीं अब ये क्या सो जाते हैं अम्मा, सुने ना ये थोड़ा सा मसला हो गया, ये जो मैं अपना लेके आया था ना ये शुरुआत में अपना ये वाला, ये जो है ना मुझे कोई पता नहीं कलर अब सही नहीं लग रहा या मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब जरा इसको चेक करें या तो आपको आइडिया हो थोड़ा सा, ये चेक करके देखें इसको। मतलब कलर सही नहीं लग रहा, चार पांच दुकानों में आपको फिर के मैंने ये सूट लेके दिया। वो एक दफा चेक तो कर लेना ये देखे तो सही। क्या हुआ इसके कलर को, मैंने टाइम बहुत जाया करते हो आप, टाइम जाया करते हो। एक दफा बस खोल के देखें। हाँ ये तो आपका नहीं था, ये क्या चीज। क्या हुआ है आप तो कुछ बोल नहीं रही हैं, इसलिए आपने इतनी देर लगाई ऊपर। हाँ जी ये मैं लेने गया था सूट आपका, जो आप उधर गाड़ी की तरफ गई थी कि लॉक नहीं की ये वो गाड़ी खुली रहेगी, मैं ये ले रहा था उस दौरान। मैंने कहा ये आपको मैं कहा ये आपको पसंद आ रहा था सूट, मैंने कहा ये ले लेते आपके लिए। वो तो सारा ठीक है, मतलब आप मुझे बता देते इतनी डांट खाने की क्या जरूरत थी, मेरा सर दुख रहा था आपको डांट। अम्मा वो फिर सरप्राइज नहीं ना रहना था, सरप्राइज नहीं ना रहना था वो फिर। सही है मैं सोच रही थी कि एक दो दिन में जाके लेके आती हूँ। साइज कैसे लिए अच्छा है ना, इतनी देर मेरी शॉपिंग लगाया लेकिन आपने कुछ भी नहीं लिया था, फिर मैंने कहा ये आपके लिए खरीद लेता हूँ। मुझे गाड़ी का ना ये आपको पसंद आया था ना, ये यही वाला पसंद आया था ना, वो शॉप वाला भी कह रहा था कि ये पसंद आया था आपको लेकिन आपने लिया नहीं था, आप खरीदने लगी थी लेकिन फिर आपको कोई गाड़ी याद आ गई। हाँ पैसे भी मैंने लेने, मैं बस उससे पूछा उसने बता दिया कि ये आपको पसंद आ रहा था, मैंने फिर खरीद लिया। थैंक यू, इतनी बड़ी हो गया कि मामा को गिफ्ट देते हो। एक्चुअली ये तो मैं जो पसंद था, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपने मामा की चॉइस को प्रेफर किया कि मामा ये छोड़ के चली गई है। यार अम्मा कोई बात नहीं यार, अल्लाह ताला इसी तरह आपकी हर ख्वाहिश को पूरा, आमीन आमीन, जो हम पूरा नहीं कर पा रहे ना। ओहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक एक सूट ही तो है यार, हम क्या हो गए इजी आपको हर चीज प्रोवाइड करे, अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए सॉरी। लेकिन ओहो अम्मा कहाँ तक पहुँच गई है अम्मा, आमीन आमीन आमीन। सूट की इतनी खुशी नहीं है, मैंने मुझे आपके ये सोच के कि ये मामा लेने लगी थी लेकिन गाड़ी का देख के चली गई, आपने ये ले लिया, मुझे इस चीज की बहुत। हाँ नहीं चलिए अम्मा, ये आपका बनता था ये सूट, जो आपको टाइम नहीं मिला खरीदने का ये मैंने ले लिया, आपने ले लिया एक ही बात है, ये आपका ये अम्मा इजी हो जाए, एक सूट ही तो है। मामा को जो है पसंद आ गया उनका ईद का गिफ्ट। खैर मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।